हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम, स्टे होम स्टे सेफ। बच्चे, कोरोना काफ़ी तेजी से फैल रहा है, सो प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। आज हम 11th क्लास में आप आ चुके हो, 10th के बिना पेपर दिए आप प्रमोट हुए बेटे, अच्छी बात है। कोरोना फैल रहा था बहुत तेजी से, तो गवर्नमेंट ने एकदम सही डिसीजन लिया है। प्लीज़ कोई भी ये ना सोचे कि बिना पेपर के हम प्रमोट हो रहे हैं, तो कोई भी इसे लाइकली ना ले प्लीज़ बच्चे, ठीक है। तो जो कॉमर्स ले रहे हैं बेटे 11th क्लास में, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक्स है, दो बुक होगी आपकी, स्टैटिस्टिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रियल लाइफ से जुड़ने वाला सब्जेक्ट है बेटे, तो इसे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि सभी इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटे, जो भी सब्जेक्ट आप लो, ठीक है। हम फिलहाल कॉमर्स में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो पहली बुक हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की बुक हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा का समूह होता है बेटे, बहुत बड़ा समूह होता है, जिसमें केवल हम क्वांटिटीज के साथ या मैथमेटिक्स के साथ हम डील करने वाले हैं बेटे। तो जो आपने 10th क्लास में मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब पढ़ी थी, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ फिर से पढ़नी पड़ेगी बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स में शुरू के 7-8 लेसन में है थ्योरी, तो हम पहले थ्योरी स्टार्ट करते बेटे, फिर प्रैक्टिकल पोर्शन आपका स्टार्ट होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स बुक्स है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बेटे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको पता होना चाहिए। बड़ी कॉमन चीजें हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो यूज होती है। तो देखिए, सबसे पहला है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटे, हिंदी में इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। तो आप बहुत पढ़ के आए बेटे, 9th-10th क्लास में आपने अर्थशास्त्र पढ़ा था बेटे। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटे। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर होता है बेटे, जो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स आपके पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या रेशनल यूटिलाइजेशन करना सिखाता है बेटे, ठीक है। देखिए, एक ह्यूमन के पास जो रिसोर्स होते हैं वो हमेशा लिमिटेड फॉर्म में होते हैं, जबकि जो उसके वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं बेटे। पैसे हमारे पास लिमिटेड, रिसोर्स का मतलब यहाँ पैसे से या मनी से होता है। तो पैसे हमारे पास होते हैं लिमिटेड, लेकिन उसके यूज काफी हो सकते हैं, अलग अलग चीजों में हम उसे यूज कर सकते हैं बेटे, ठीक है। रुपए से आप देखिए सब्जी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है, तो उसी रिसोर्स के अंदर आप बर्गर खरीद के अपनी भूख शांत कर सकते हैं, उसी रुपए के अंदर आप चपाती रोटियां खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं बेटे। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सिखाती है, कि हम रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमल यूटिलाइज करें, कैसे उसका रेशनल यूटिलाइज करें बेटे। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर या इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस इन विच द रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर डन। रिसोर्सेज को रेशनली यूटिलाइज किया जाता है, उसका सर्वोत्तम प्रयोग किया जाता है, ताकि जो वांट्स या डिमांड है उसे हम पूरी कर सके, उसे हम सेटिस्फाई कर सके बेटे। तो ये होता है आपका इकोनॉमिक्स। आगे है हु इज कंज्यूमर एंड हु इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कौन होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है बेटे, ठीक है। प्रोड्यूसर होता है निर्माता, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है बेटे। देखिए, प्रोड्यूसर करता क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अक्वायर करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक जो होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके लिए हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए बेटे। तो फैक्टर प्रोडक्शन लेता है, इस पे एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गई इस पे स्टार्ट, और प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद बन जाता है फिनिश गुड्स। क्या बन जाते हैं हमारे, फिनिश गुड्स। तो प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। सो हु इज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इज दैट पर्सन हु प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की सहायता से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड द पर्सन हु डज दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, राइट।
इसके बाद आता है हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होते बेटे? तो कंज्यूमर वो लोग होते हैं, दीज आर दोज पीपल हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूसर ने तो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, कंज्यूमर क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे बेटे, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करेंगे। ठीक है, और कंजप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो वांट्स है उसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, कंज्यूमर को चाहिए भाई उसकी भूख शांत हो, भूख शांत करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे कि कंज्यूमर कौन होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है। तो बेटे प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है और कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज कंजप्शन एंड व्हाट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में बेटे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनकी सहायता से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है बेटे। और प्रोडक्शन करने के बाद उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, तो कंजप्शन रेफर्स टू द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स। तो अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। आगे व्हाट इज सेविंग बेटे, सेविंग। तो देखिए, एक पर्सन जब भी इनकम कमाता है, इनकम को हम इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। किससे बेटे? वाई से। तो ये हो गई आपकी इनकम। तो इनकम के दो ही काम होते हैं, या तो वो कंज्यूम होते हैं या फिर वो सेविंग होती है। तो बेटे सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है दैट इज नॉट कंज्यूम। तो इनकम के जिस हिस्से को हमने कंज्यूम नहीं किया है दैट इज कॉल्ड सेविंग, उसे हम सेविंग कहेंगे। सो व्हाट इज सेविंग? सेविंग रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच हैज बीन नॉट कंज्यूम, व्हिच इज सेव्ड बाय द हाउसहोल्ड फॉर देयर फ्यूचर कंजप्शन। तो इनकम का वो हिस्सा जो फिलहाल कंज्यूम ना करके फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सेविंग, उसे हम क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं बेटे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन होना। ठीक है, कैपिटल का फॉर्मेशन होना, कैपिटल का निर्माण करना बेटे। इन्वेस्टमेंट में होता क्या है? एक प्रोड्यूसर पैसे इन्वेस्ट करता है। किसमें इन्वेस्ट करता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, नई फैक्ट्री, नया प्लांट, ये खरीद रहा है, तो इसमें वो पैसे इन्वेस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं बेटे। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर इन प्लांट, मशीनरी, स्टॉक। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम एक फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हम एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी कर सकते हैं बेटे। तो ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम पैसा लगाते हैं बेटे। ठीक है, तो ये इट्स रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, ऑन द परचेज ऑफ असेट एंड स्टॉक। तो असेट खरीदता है और स्टॉक खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आर्थिक क्रिया क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते बेटे? तो कहा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच आर डन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो कोई भी किया गया ऐसा कार्य जो प्रॉफिट या पैसे कमाने के लिए किया जाता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं बेटे। देखिए कार्य दो तरह से किए जाते हैं अलग अलग। एक तो किया जाता है बेटे सोशल वेलफेयर के लिए, समाज में भलाई के लिए, अपने मन की शांति के लिए। जैसे आप किसी टेंपल में जाके, गुरुद्वारे में जाके पैसे दे रहे हैं दान में बेटे, तो उन्हें पैसा मिल रहा है, लेकिन उन्हें पैसा किस रूप में मिल रहा है? डोनेशन के रूप में। ठीक है, इससे कोई प्रॉफिट, इससे कोई प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है बेटे। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कोई ना कोई प्रोडक्शन हो, जिससे कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो, या जो एक्टिविटीज प्रॉफिट कमाने के लिए की जाते हैं बेटे, जो एक्टिविटीज अपने मन की सेटिस्फेक्शन, अपने मन की शांति के लिए की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती। आप अपनी मर्जी से चंदा दे आए किसी बेटे मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आपने किसी भिखारी को मान लीजिए दान में कुछ रुपए दे दिए, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट इकोनॉमिक दैट एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर द कंसीडरेशन ऑफ प्रॉफिट, व्हिच इज डन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। आगे हम व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब बेटे कुछ आर्थिक समस्याएं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है किसी भी
किसी भी पर्सन के माइंड में। देखिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कंज्यूमर के लिए भी होते बेटे हैं और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूसर्स के लिए भी होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों बेटे, क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है? बिकॉज वी हैव अ स्कैर्स रिसोर्सेस, हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कैर्स, स्कैर्स यानी दुर्लभ या कमी। तो बेटे रिसोर्स की हमारे पास होती है कमी, लेकिन जो हमारी वांट्स होती है वो होती है अनलिमिटेड, हमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए बेटे एक समय पर, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम पैसा हमारे पास लिमिटेड, हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते। भाई पैसा अगर मेरे पास अनलिमिटेड हो जाए, अनगिनत पैसा आ जाए, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेरे पास कभी अराइज ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे चॉइस करनी ही नहीं पड़ेगी बेटे। बट रिसोर्स हमारे पास हमेशा लिमिटेड होता है, पैसा लिमिटेड होता है, इसलिए चॉइस की प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, आपको भूख लगी हुई है, आपको भूख लगी हुई है, तो अब देखिए 100 रुपए में आपको पेट भी भरना है बेटे, ये पेट भरना है, ये हमारी वांट, इसे क्या कहते हैं वांट। तो वांट हो गया हमारा पेट भरना, हमारी हंगर जो भूख है उसे बेटे पूरी करना। अब देखिए इन 100 रुपए का अलग अलग मल्टीपल यूज होता है, क्या होता है इसका मल्टीपल यूज। अब उस 100 रुपए में आप छोले भटूरे खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हो, आप पिज्जा खा सकते हो बेटे, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपए का आपने पिज्जा तो खाया, पर मेरा पेट तो भरा ही नहीं, मेरी वांट तो पूरी हुई नहीं, वांट सेटिस्फेक्शन तो मिला ही नहीं बेटे। और उसी 100 रुपए मान लीजिए आपने छोले भटूरे खाए तो आपका पेट भर गया। तो इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हमें इस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करना है या प्रयोग करना है कि इससे हमारी वांट पूरी हो जाए, ठीक है। तो दिस इज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये कंज्यूमर के लिए भी होती है और प्रोड्यूसर के लिए भी होती है। प्रोड्यूसर देखता है कि 100 रुपए में वो किस चीज का प्रोडक्शन कर सकता है जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, जबकि जो प्रोड्यूसर है ऑन द अदर हैंड वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ये होते हैं दोनों के एम बेटे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन के हमने क्या दिए, आंसर दिए। अब आते हैं 3 distinct कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 3 main कॉम्पोनेंट अब आ चुके हैं। सबसे पहला आपका आया कंजप्शन बेटे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे कंजप्शन की आवश्यकता ना पड़े। एवरीवन हैव टू कंज्यूम, कंज्यूम करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा हमें, जिससे कि हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो सके और हम लॉन्ग रन तक सर्वाइवल या जिंदा रह सके बेटे, ठीक है। सो कंजप्शन, तो कंजप्शन में हमने क्या देखा, कंजप्शन बेटे ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है, कंज्यूमर बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। पीपल की जो मीन्स या साधन या रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं बेटे, जबकि जो उसकी वॉन्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होती है। तो उस लिमिटेड रिसोर्स में वो बेटे, ठीक है, ऐसे उसका यूज करना चाहेगा जिससे कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, संतुष्टि का जो स्तर है वो हाईएस्ट हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 रुपए में आपको एक ऐसी चीज प्रयोग करनी है जिससे आपका पेट भी भर जाए बेटे, ठीक है, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए, ठीक है। पिज्जा आप खा तो लोगे लेकिन हो सकता है आपका पेट ना भरे, यानी आपकी सेटिस्फेक्शन या वॉन्ट पूरी ना हो। तो इसे हम कहते हैं कंजप्शन देते हैं, ठीक है। इसमें कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें हम रिलेशनशिप तैयार करते हैं, ठीक है, प्राइस और गुड्स की, ठीक है। तो कंजप्शन बेटे, जितने प्राइस लो होते हैं उतना हाईएस्ट कंजप्शन किया जाता है, और जितने प्राइस हाई होते हैं उतना लो कंजप्शन किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन बेटे, क्या आता है प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन। तो प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। कैसे करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का करता है। किस तरह करता है बेटे, ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लगाकर वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है बेटे, ठीक है। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और फिर वो प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशन की बेटे, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। तो आपको पता है जो प्रोड्यूसर होता है बेटे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले इकट्ठे करता है, लैंड अक्वायर करता है, कैपिटल पैसे लगाता है बेटे, ठीक है, लेबर लेके आता है, और फिर रिस्क लेता है बिजनेस स्टार्ट करने का। तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। अब बेटे जो टोटल कंसिडरेशन उसे मिलता है, जो प्रॉफिट उसे मिलता है, वो बढ़ जाता है विभिन्न विभिन्न लोगों में। कैसे बढ़ता है, जिससे उसने लैंड ली है उसे वो रेंट दे देगा, क्या दे देगा, रेंट। लेबर अगर उसने अक्वायर किया तो उसे मजदूरी दे देगा, और मजदूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं वेजेस, क्या कहते हैं, वेजेस।
मान लीजिए अगर उसने लोन लिया है बेटे तो उसका इंटरेस्ट पे करेगा और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले वो प्रॉफिट लेगा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले उन्हें उनका रिवॉर्ड देना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है बेटे। तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप वो लेकर आता है, इससे जो इनकम जनरेट होती है बेटे वो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बांट दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है, इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बेटे। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि ये बुक का नाम स्टैटिस्टिक्स है, क्या है स्टैटिस्टिक्स, तो आपको स्टैटिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए बेटे क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक की वो ब्रांच होती है विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैट में बेटे हमेशा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में जो होता है बेटे, जिसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, उसे हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आप जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा से डील करेंगे, ठीक है, जैसे मीन मीडियन मोड होता था, मैथमेटिकल डाटा या न्यूमेरिकल डाटा का यूज होता था, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स में भी हम न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करेंगे और अपना कंक्लूजन निकालेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स refers to the set of quantitative data, or statistics is that branch of economics which deals with the quantitative set of information. तो बेटे स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है, तो देयर मस्ट बी अ सिस्टम मेथड और टेक्निक फॉर द कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स के अपने मेथड होते हैं, अपनी टेक्निक होती है, अपना सिस्टम होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अक्वायर की जाते बेटे। इट नीड्स टू बी क्लासिफाइड टेबुलेटेड, फिर उन इन्फॉर्मेशन को हम बेटे टेबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उससे एक टेबल का निर्माण करते हैं जिसे देखकर ज्यादा अच्छा कंक्लूजन या निष्कर्ष निकल सके बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स एक वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जो क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करती है। स्टैटिस्टिक्स के अपने मेथड होते हैं, अपनी टेक्निक होते हैं, अपना सिस्टम होता है बेटे, इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है बेटे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज पहली क्लास स्टैटिस्टिक्स की, तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया बेटे, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है स्टैटिस्टिक्स का, आपको पता होना चाहिए स्टैट क्या होती है जो क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करती है, इट इज अ सेट ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिस्टिक्स के अपने खुद के मेथड होते हैं, सिस्टम होता है, टेक्निक्स होते बेटे, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन यानी कि टेबल वाइज प्रेजेंटेशन उनका किया जाता है बेटे, ठीक है। और ये कुछ मैंने क्वेश्चन आपको बताया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये सब भी आपको एक बार ध्यान रखना है बेटे। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।